दोस्तों, शेयर मार्केट घोटालों पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 आजकल काफी चर्चे में है। इस वेब सीरीज में 90 के दशक के सबसे बड़े घोटालेबाज हर्षद मेहता की जिंदगी की असली कहानी दिखाई गई है। हर्षद मेहता को उनके समय में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता था। लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहकर भी बुलाते थे। उनके बारे में एक बात बहुत पॉपुलर थी कि वो जिस शेयर को छू लेते थे वो सोना बन जाता था। लेकिन लोगों को जब पता चला कि जिसको वो स्टॉक मार्केट का भगवान समझ बैठे, असल में वो एक बहुत बड़ा घोटालेबाज था, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो भारत की स्टॉक मार्केट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम हर्षद मेहता के जीवन और उनके द्वारा किए गए घोटालों के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 29 जुलाई 1954 को शुरू होती है, क्योंकि इसी दिन गुजरात के पनेली मोती में रहने वाले एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काफी कोशिश करने के बाद भी ये व्यापार नहीं चल पाया, जिसके कारण उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, हर्षद के पिता ने रायपुर में अपना बिजनेस जमा लिया और इसी शहर में हर्षद ने अपना बचपन और स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हर्षद को क्रिकेट का बहुत शौक था, जिसके कारण अपनी पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं कर पाया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हर्षद कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक बार फिर मुंबई शिफ्ट हो गया और साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही हर्षद ने छोटी मोटी नौकरियां करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें सीमेंट और हौजरी बेचने के साथ ही हीरे चुनने का काम भी शामिल था, और 8 साल तक वह इसी प्रकार की नौकरियां करता रहा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री उस समय हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया अश्योरेंस नाम की एक कंपनी में जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में काम करते हुए उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर हर जीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज नाम की एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर ली। इस ब्रोकरेज फर्म में काम करते हुए उन्होंने प्रसन्न पर जीवन दास को अपना गुरु मान लिया और कई साल तक उनसे स्टॉक मार्केट के पैंतरे सीखते रहे। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और बेहद तेज दिमाग होने के कारण हर्षद बहुत जल्दी ही स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझ गए। दोस्तों, साल 1984 में स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी को शुरू की और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली। दोस्तों, यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हुआ। साल 1984 से 1990 तक मात्र 6 सालों में ही हर्षद की कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाने लगी। अपनी इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षद उस समय हर अखबार और मैगजीन में छाए रहते थे। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे। उनके 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस और बेहद महंगी लग्जरी गाड़ियों ने उन्हें एक बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया था। हर्षद जिस भी शेयर को छू लेते थे उसकी कीमत आसमान पर पहुंच जाती थी। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हर्षद ने ACC कंपनी के शेयर की वैल्यू मात्र कुछ ही दिनों में 200 रुपए से सीधा 9,000 रुपए तक पहुंचा दी थी। इसी तरह हर्षद जिस भी कंपनी में पैसा लगाते थे उसके स्टॉक की कीमत ऊंचाइयों पर पहुंच जाती थी, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा होता था। और यही कारण था कि बहुत कम समय में ही हर्षद कामयाबी की उन ऊंचाइयों पर पहुँच गए थे जहाँ पहुँचने के लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ एक तरफ लोग हर्षद की इस कामयाबी और स्टॉक मार्केट में उनके अद्भुत ज्ञान को देखकर हैरान थे, तो वहीं लोगों के मन में ये सवाल भी था कि आखिर कोई व्यक्ति हर बार इतना सही कैसे हो सकता है। और लोगों के इसी सवाल ने हर्षद को आसमान से सीधा जमीन पर लाकर पटक दिया, क्योंकि साल 1992 में दुनिया के सामने हर्षद के घोटालों का पर्दाफाश हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने अपने कॉलम में हर्षद के इन घोटालों का पर्दाफाश किया था। सुचेता की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर्षद के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए और एक के बाद एक उनके सभी घोटालों का पर्दाफाश होता रहा। उनके खिलाफ कुल 600 सिविल सूट और 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए CBI ने उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया था।
अब सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर हर्षद मेहता इतने सालों तक इतना बड़ा स्कैम करने में कामयाब कैसे हो पाया, और वो कौन सा तरीका था जिससे उसने इस घोटाले को अंजाम दिया था। इन सभी सवालों के जवाब पत्रकार सुचेता दलाल ने अपने कॉलम में दिए थे। सुचेता ने बताया था कि हर्षद बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनका इस्तेमाल गलत रूप से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए किया करता था। साफ शब्दों में अगर कहें तो हर्षद ने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया करता था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये रेडी फॉरवर्ड डील होती क्या है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार अपने कुछ प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटीज जारी करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई प्रकार की होती हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड शामिल होते हैं। इन सिक्योरिटीज के बदले में सरकार बैंक और इन्वेस्टर्स से एक तय समय के लिए पैसा लेती है, और इन पैसों के बदले में सरकार सभी इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है। उस समय सभी बैंकों और इन्वेस्टर्स को सरकार के इन सिक्योरिटीज में एक तय किया हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता था। अब ऐसे में अगर किसी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वह अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए एक लोन ले लेते थे, और फिर कुछ दिनों बाद ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाकर अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेते थे। इस तरह ये सिक्योरिटीज बैंकों के बीच एक दूसरे से लोन लेने का साधन मानी जाती थी, और इसी को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। इस डील में दोनों बैंकों के बीच कुछ लोग दलाली का काम किया करते थे। इन दलालों का काम सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंकों के लिए खरीदार और सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंकों के लिए सेलर ढूंढना हुआ करता था। इस काम के बदले में दलालों को बैंकों से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षद मेहता भी बैंकों के बीच दलाली का ये काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ खामियां ढूंढ ली थी, जिसका फायदा उठाकर वह गलत तरीके से पैसे कमाने लगे थे। दोस्तों, हर्षद जब किसी बैंक की सिक्योरिटीज के बदले किसी दूसरे बैंक से लोन का पैसा लेते थे, तो वह उस पैसे को बैंक को देने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, जिसके कारण उस कंपनी के स्टॉक का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। जब वो बैंक हर्षद से अपनी सिक्योरिटीज का पैसा मांगता था, तो वह किसी नए बैंक से पैसा लेकर उस पहले वाले बैंक को पैसा दे देते थे, और इसी तरह उनके पास हर समय करोड़ों रुपए घूमते रहते थे, जिसका इस्तेमाल वह स्टॉक मार्केट में हेर फेर करने में किया करते थे। दोस्तों, वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि जब उन्हें स्टॉक मार्केट में और ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने इस घोटाले को और भी एक कदम आगे बढ़ा दिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज के बदले एक दूसरे से लोन लेने और देने के लिए एक खास रसीद का इस्तेमाल किया करते थे। हर्षद ने बैंक की उस खास रसीद की नकली कॉपी बनवाकर लोन लेना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह था कि वह किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक के नाम में करोड़ों रुपए का लोन ले सकता था, और उस बैंक को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती थी। जब लोन देने वाला बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगता, तो वो अपने शेयर मार्केट से हुए मुनाफे से उस बैंक का पैसा लौटा देता था और अपनी नकली बैंक रसीद वापस ले लेता था। दोस्तों, हर्षद का ये घोटाला कई साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी नुकसान के कारण वह बैंक से लिए लोन के पैसे भी वापस नहीं लौटा पाए, और उसी समय सुचेता दलाल ने उनके इस घोटाले से पर्दा हटा दिया। इस घोटाले का पूरी तरह सामने आने के बाद पता चला कि ये लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गई थी, जिसमें कई लोगों का करोड़ों रुपए नुकसान हो गया था। बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने इस नुकसान के कारण सुसाइड भी किया था, इसमें विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। हालांकि हर्षद को गिरफ्तार करने के बाद उन पर बहुत से अलग अलग मुकदमे चलाए गए, लेकिन उनकी मौत होने तक उन्हें सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हर्षद को महाराष्ट्र की थाने जेल में कैद किया गया था, जहां 31 दिसंबर साल 2001 की रात को हर्षद को सीने में दर्द होने की समस्या हुई, और रात के करीब 12:30 बजे 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज हर्षद द्वारा किए गए इस स्कैम को लगभग 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।